ये देख सकते हैं आज कितनी प्यारी भोलेनाथ जी की मूर्ति है यहाँ पे, और चारों तरफ पानी है और बीचों बीच में एकदम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्रेजी एचआर यूट्यूब चैनल। फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है गाइस, बताना कमेंट में गॉगल कैसा लग रहा है आपके भाई के ऊपर। तो आज एक फिर से नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। इस नए दिन की शुरुआत में आज करने वाले हैं कुछ नया, और थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज क्या होने वाला है हमारे साथ और हम कहाँ जाने वाले। आज हम जाने वाले गोंदिया में कांवड़ यात्रा जो होती है वो देखने जा रहे हैं। आज हमारे साथ आ रहे विशाल भाई, तो अभी विशाल भाई का वेट करते हैं, सीधा मिलते हैं। अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गए हम, अभी तो सीधा मिलते हैं रेलवे स्टेशन पर। चलिए रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं वहीं पे। तो देखते हैं हम गोंदिया में अभी क्या क्या देख पाते हैं। तो अभी हम दोनों उतर आए हैं। देख ले, गणेश जी बनना चालू हो गए हैं अभी। वो तो ऑलमोस्ट बन चुके हैं, अभी इनका सेटअप रेडी है। अभी कान्हा जी वाना जी सब बन रहे हैं फिलहाल, तो अभी तो जल्दी आने। सो अभी गाइस हम पैदल पैदल जा रहे हैं कांवड़ यात्रा देखने के लिए। तो यार बहुत तेज ज़्यादा धूप है इधर, तो भी कोई ना, हम जाएंगे। आज गोंदिया में आए तो कुछ ना कुछ देख के ही जाएंगे। अभी हम कांवड़ यात्रा देखने जा रहे, तो चलते हैं सीधा कांवड़ यात्रा देखने के लिए। अभी जा रहे हमारे विशाल भाई आगे आगे, हम जा रहे हैं उनके पीछे पीछे, क्योंकि हमें पता नहीं है ना अभी कहाँ जाना हमको। हम लोग चलते चलते बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे सहयोग हॉस्पिटल के अपोजिट में। एक दुकान है चाय की, तो वहाँ पे मत चाय पाए पीते। थोड़ी देर में कांवड़ यात्रा से यहाँ से चालू होने वाली है, तो हम वो भी देखते हैं अभी। ये देख सकते हैं अभी कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं इन लोग बहुत ही मस्त तरीके से। बहुत ही प्यारा रथ बनाया हुआ है भोलेनाथ जी यहाँ पे, मस्त। वो आगे डीजे वीजे लगा है। ओपो बोलबम, गाइस अभी हम आए हैं नागरा पे। ये मंदिर है भोलेनाथ जी का, तो यहाँ पे देखते हैं घूमते हैं मस्त कैसा है मंदिर, तो देखते हैं। हमें भाई मिले ले, तो इन्होंने हमको बहुत ज़्यादा हेल्प किया। भाई आपका नाम क्या है? सोनू डारे। ये सोनू डारे भैया, ये गोंदिया की है। हम इनके दुकान में बैठे थे, तो भैया ने अपनी गाड़ी पकड़े और हमको साथ में घुमा रहे, तो भैया को थैंक यू। अभी चलते हैं अंदर और आपको भी दिखाते हैं, पर बहुत ज़्यादा लाइन लगी, मैं दिखा सबको। देखते हैं अभी, बहुत ज़्यादा लाइन लगी है, बट कोई नहीं जाएंगे। तो
ये भी कावड़ यात्रा का जल चढ़ाने जा रहे भैया, और इन लोग भी भैया ने लाए। आई लव गोंदिया। ये अभी हम मोक्ष धाम की तरफ जा रहे हैं। ये मोक्ष धाम का रोड है जहाँ पे कावड़ विसर्जन वाली होती है ना? तो भाई पानी के बीचों बीच यहाँ पे मूर्ति लगी है शिव जी की। तो चलिए पास से देखते हैं कितना प्यारा ही व्यू आ रहा। बहुत प्यारा व्यू है इधर का। आसपास में मस्त पानी है और बीच में शिव जी की मूर्ति। तो देखते हैं शिव जी की मूर्ति पास में जाके। सो अभी हमको यहाँ से पानी से जाना पड़ेगा गाइस, पानी क्रॉस करके जाना पड़ेगा हमको। बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं गाइस कितनी प्यारी भोलेनाथ जी की मूर्ति है यहाँ पे। चारों तरफ पानी है और बीचों बीच में एकदम भोलेनाथ जी की मूर्ति है। झांकी के लिए रेडी कर रहे हैं। देखिए भाई कितने सारे घोड़े हैं यहाँ पे। घोड़े ही घोड़े हैं यहाँ पे, इतने प्यारे पूरे वाइट वाइट घोड़े। यार भाई गोंदिया में क्या ना मज़ा ही बहुत आ रहा है मेरे को तो, क्योंकि यहाँ में घोड़े वोड़े देखने को मिल रहा है हमें। हमारे एरिया में देखने को बहुत कम मिलता है। Thank you.
फाइनली हम अभी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, तो अभी जा रहे हैं हम घर। लिटरली गाइस बहुत ज़्यादा थक चुके हैं यार, आज दिन भर पद यात्रा पैदल ही चले हम, और बहुत दिन भर पद यात्रा हो गई हमारी। सो अभी हम जाएंगे लिफ्ट से। हमारा भाई जा रहा लिफ्ट में। सो अभी हम अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं, टिकट निकालते फिर चलते घर। फाइनली अभी हम गांव पहुंच चुके हैं, तो अभी जाते हैं घर, मस्त आराम करते हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं आज। होप करता हूँ आज के वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या कर देना, लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। और गाइज हाँ, आज हमें जो भैया मिले थे बहुत ही हेल्पफुल थे, सोनू भैया गोंदिया पे। जस्ट हम उनके दुकान में चाय पीने रुके थे, और उन्होंने चाय हमने तो चाय पी लिया, उसके बाद उन्होंने हमें जो हेल्प किया ना, उन्होंने अपनी गाड़ी से। हमने सोचा था कि आज तो मैं अभी पैदल ही ब्लॉग बनाऊंगा, हो सकता था कि मैं इतना ज़्यादा ब्लॉग जो दिखा रहा हूँ आपको ब्लॉग में, तो उतना ज़्यादा मैं कैचअप नहीं कर पाता था, बट उनकी हेल्प से मैंने पूरा ही कैचअप कर डाला। और आपको जो दिख रहा है आज वीडियो में, जो उन्हीं की हेल्प से हुआ है, तो थैंक यू सो मच सोनू भैया। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा, कावड़ यात्रा हमने देखी गोंदिया के अंदर में, और थोड़ा बहुत आपने गोंदिया भी घूम लिया। आई होप आज के ब्लॉग आपको पसंद आया, पसंद लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।